नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज का हमारा वीडियो है, सपने में चंद्रमा देखना कैसा होता है, ये सपना आपके जीवन पर क्या असर डाल सकता है, क्या कहती हैं सपने में चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं, सारी जानकारी देंगे इस छोटे से वीडियो में। लेकिन आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि आने वाली ऐसी ही जानकारी आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। अब चलिए बात कर लेते हैं सपने में चंद्रमा देखने का क्या मतलब होता है, ये शुभ सपना होता है या अशुभ सपना होता है, क्या कहता है स्वप्न शास्त्र। अगर हम स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में जो है चंद्रमा का देखना बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में ये सपना जो है अशुभ भी हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं किन अवस्थाओं में ये सपना अशुभ होता है और किन अवस्थाओं में ये सपना शुभ होता है। अगर आप जो है सपने में चांद को अधूरी अवस्था में देखते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके व्यक्तित्व, आपकी प्रसिद्धि में कटौती हो सकती है। इसके अलावा आप जिससे भी प्रेम करते हैं आने वाले दिनों में उसके मन में आपके प्रति प्रेम या आपके प्रति आदर सत्कार थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का किसी से बहुत अच्छा क्लोज रिश्ता है आने वाले समय में, तो उसमें जो है खटास हो सकती है, एक दूसरे के प्रति शक उत्पन्न हो सकता है। ये सपना इस ओर संकेत करता है। वहीं बात कर लेते हैं सपने में अगर आपको जो है चंद्रमा को बादल में ढके हुए देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन पर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको जो है अपमानित होना पड़ सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में जो है आपकी प्रसिद्धि भी लौट सकती है, ये सपना इस ओर संकेत देता है। वहीं अब बात कर लेते हैं सपने में जो है आप पूर्ण अवस्था में देखते हैं, चमकते हुए देखते हैं और स्वयं को जो है चंद्रमा की रोशनी में अगर आप खुद को देखते हैं ये, तो ये सपना बेहद ही शुभ सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में जो है सकारात्मक परिवर्तन होंगे। इसके अलावा आपका जो है व्यवहार बहुत प्रेमपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में किसी प्रेमी की जो है एंट्री हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो आने वाले दिनों में आपके हाथ पीले हो सकते हैं, ये सपना इस ओर संकेत देता है। इसके अलावा ये सपना अगर कोई जो है बीमार व्यक्ति देखता है तो बेहद ही शुभ सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में उसकी बीमारी में निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और हो बहुत संभव है कि हो सकता है उसकी बीमारी का जो है अंत भी हो जाए। वहीं अब अगर बात करें ये सपना जो है नवविवाहित युवक या युवतियां देखती हैं तो इसका मतलब होता है कि उनका जो जीवन है वो प्रेमपूर्ण बीतेगा और आपसी रिश्तों में काफ़ी अच्छा सामंजस्य होगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनके बीच जो है लड़ाई झगड़े बहुत नाम मात्र के ही होंगे इस सपने के अनुसार।